अभी ये बीपीपी FA2 बीपीपी के एग्जाम का एड सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.1। क्या लिखे, मिस्टर बॉर्ड हैज पेड रेंट ऑफ 2400 फॉर द पीरियड जनवरी 1 टू दिसंबर 8 है। 31st डिस्पर्स अकाउंट्स आर बीइंग ड्रॉन अप फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर। व्हाट शुड डिस्पर्स अकाउंट शो? द रेंट पे किया अपने 1 ईयर का और ईयर एंड उसका सितंबर में आफ्टर 9 मंथ्स। अब बताए इसमें से 2400 में से रेंट एक्सपेंस कितना होगा और प्रीपेड रेंट कितना होगा? बी आंसर है, ये आंसर सर। बी आंसर। ठीक, 2400 है, 9 मंथ्स का कितने बनेंगे? 1800, और बाकी 600 प्रीपेड हो जाएंगे। 2400 पर ईयर मीन्स 200 पर मंथ, 9 मंथ्स के 1800 और बाकी 600 प्रीपेड। बी आंसर। 7.2। फिर जी मैं देखना बताइए। ठीक सर, में टेलीफोन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। टी अकाउंट बनेगा, बनाए एक्सपेंस फाइंड करें, टेलीफोन एक्सपेंस। देखते अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, एक्रूअल्स है, एक्रूअल्स का, एक्रूअल्स प्री पेमेंट 297 क्रेडिट होगा। उसके बाद ये पेमेंट्स हैं, डेबिट हो जाएंगे ना, 4570। ठीक है, अच्छा क्लोथिंग बैलेंस क्या होगा इसमें? क्लोथिंग बैलेंस, क्लोथिंग बैलेंस आएगा कुछ? सीडी, सीडी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इसने पेमेंट किया अक्टूबर तक की, और एंड ईयर एंड भी इसका अक्टूबर में हो रहा है, तो क्लोथिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा, ना एक्रूअल्स ना प्रीपेड। अक्टूबर में एंड है और इसने बिल भी अक्टूबर तक का पे किया है, ना इसमें कुछ एक्रीड है ना कुछ प्रीपेड है। बैलेंस कर लेते हैं 4570, माइनस करें 297, 4273, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो कि इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 4273, राइट। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पर है तो ये इनकम स्टेटमेंट में या ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर आएगी। ठीक, 7.3। अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, ये फॉर्मेट कॉपी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस इसका जीरो है ना, नो ओपनिंग एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स। एक्चुअल में ये जो 1540 है ये कैश पेमेंट है, यहाँ उसने डेबिट बैलेंस का वर्ड यूज कर लिया तो यहाँ आना चाहिए था कैश पेड। पेमेंट हम कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे डेबिट 1540। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट इनवॉइस है वो आपकी है 462 की, और वो फॉर 3 मंथ्स टू सेप्टेम्बर। अच्छा, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर में, और लास्ट इनवॉइस इसने पे की है सितंबर तक की ना, सितंबर तक की इनवॉइस पे की है और नवंबर में एंड हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स का बिल पेंडिंग है, एक्रूड हो गया ना। तो ठीक है, 2 मंथ्स के एक्रूअल्स कैलकुलेट करते हैं।
तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये लास्ट इनवॉइस 462 ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है 308। ये एक्रूअल्स हो गए। अच्छा एक्रूअल्स का सीडी बैलेंस कहाँ आएगा? ये क्लोजिंग बनेगा ना एक्रूअल का, तो एक्रूअल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्रेडिट पे आएगा, डेबिट पे आ जाता है ना। इसकी वजह से एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूअल्स क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और यही इसका कैरी डाउन बन जाएगा। अकाउंट टोटल करते हैं इसका 1848, ये इसकी बैलेंसिंग पे करोगे 1848। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे 1848। करेक्ट आंसर बी होगा इसका, ठीक है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो कैलकुलेट किए बगैर बताया। ऑप्शन डी 7.4। प्री पेमेंट की डबल, पेमेंट्स डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। प्री पेमेंट्स डेबिट होने का मतलब एसेट इंक्रीज, और एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस डिक्रीज। तो प्री पेमेंट का इफेक्ट क्या आएगा, एसेट इंक्रीज और एक्सपेंस डिक्रीज होता है, ये तो जनरल एक्सपेक्ट हो गया ना। अब यहाँ एरर क्या हुआ है कि प्री पेमेंट उसकी अंडर स्टेटेड है, तो इंक्रीज करेंगे। अच्छा प्री पेमेंट को इंक्रीज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, प्री पेमेंट्स डेबिट होंगी क्रेडिट होंगी? प्री पेमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है, प्री पेमेंट्स की नेचर क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, तो प्री पेमेंट्स डेबिट होंगी और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, तो इसकी जब करेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, एंट्री क्या बनेगी, प्री पेमेंट्स डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक, अच्छा प्री पेमेंट्स डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज हुए। अच्छा एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। ठीक, तो इससे आपके एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज। आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर ए। ठीक, और इसकी एंट्री लिख लीजिएगा, अपने पास करेक्शन क्या होगी इसकी, प्री पेमेंट्स डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। कुछ की याद हो जाए, कुछ याद नहीं हो जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते करते। 7.5, 7,040 फॉर रेंट फॉर 6 months पीरियड 2 अगस्त 2002। व्हाट एक्रूअल और प्री पेमेंट इज रिक्वायरमेंट, एक्रूअल या प्री पेमेंट कैलकुलेट करनी है, सब आसान है। 7.5 एक्रूअल्स या प्रीपेड बताने कितने हो, पेमेंट दे दी उसने, ये पेमेंट है, अब इससे आपको एक्रूअल्स या प्रीपेड कैलकुलेट कर। एक्रूअल्स जून में एंड हो रहा है, जून दो महीने की बी होगा, बाकी बताएं। एक आंसर आया बी, आपका बी आ रहा है, ये बाकी बताएं बी। ठीक है आइदर, ठीक ठीक है बी आंसर करेक्ट है। देखिए सर 6 month की पेमेंट की है, अगस्त तक की पेमेंट करा, अगस्त तक की पेमेंट कर ली, ईयर एंड और जून में, जुलाई और अगस्त 2 महीने की प्री पेमेंट होगी। अब 2 महीने की प्री पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए 11,040 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 मंथ की प्री पेमेंट आ जाएगी आपके पास 3,680। ऑप्शन बी, ठीक है। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।